तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में ले चलता हूँ पटना का सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट करवाने के लिए। यहाँ पर आप सिर्फ 50 रुपए में 6 पूड़ी, 2 जलेबी और 1 दही वड़े का सबसे बढ़िया नाश्ता कर पाएंगे। इस दुकान पर अभी तक बड़े से बड़े सेलिब्रिटी आकर खा चुके हैं, जिनमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर आशीष विद्यार्थी तक के नाम शामिल है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो क्या हाल चाल है जी, सुबह की राम राम। तो अभी हमें जी पटना रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ मैं आया हूँ स्पेशल नाश्ता करने के लिए। सुबह का नाश्ता करेंगे आज। और यहाँ पे ना जी एक फेमस शॉप है, जहाँ पे मतलब आपको पूरी सब्जी, पता नहीं दही वड़ा, आलू की सब्जी, भाई साहब जलेबी जलोबी सब खाने को मिलेगा। और भाई साहब बड़ी मस्त जगह है वो, सिर्फ अपना 40-50 रुपये में नाश्ता हो जाएगा। अगर आप भी पटना रेलवे स्टेशन के आसपास आ रहे हो तो भाई साहब वहाँ पे नाश्ता जरूर करना, जहाँ पे मैं अभी आपको मैं लेके जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले जाके शॉप पे नाश्ता आप लोगों को दिखाते हैं और खाते हैं। अभी सुबह का टाइम हुआ है, वही 7 बजे के आसपास का टाइम हुआ है। सुबह मैं 6:30 ही अपने होटल से निकल आया था जी, क्योंकि जब तक हम किसी प्रॉपर सिटी का, जिस सिटी में भी हम जाते हैं, जिस जो भी सीरीज हम लोग शुरू करते हैं, है ना, तो उसका हम लोग एक प्रॉपर सुबह का ब्रेकफास्ट जरूर बनाते हैं। तो वही आज हम ब्रेकफास्ट करने के लिए निकले हैं। जब भाई साहब किसी नए शहर में जाते हैं ना, तो नए शहर में जाके ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई सुबह सुबह का नाश्ता किधर किया जाए। जैसे यहाँ पे जलेबी वगैरह, और वही है जी सिस्टम बन रहा है प्रॉपर बढ़िया तरीके से, है ना। तो चलिए आगे और भी आपको दिखा देते हैं आगे सीन क्या क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे भी वही सीन चल रहा है, सुबह सुबह का नाश्ता बढ़िया तरीके से, क्योंकि रेलवे स्टेशन पास पड़ता है ना, तो बढ़िया तरीके वाला सीन यहाँ पे बन जाता है। अभी देखिए जलेबी चल रही है, यहाँ पे तैयार हो रही है बढ़िया, क्या बात है। पूरियां बेली जा रही हैं, जैसे ही जलेबी का एक स्लोट निकल जाएगा उसके बाद यहाँ पे पूरियां आ जाएंगी। वही है, एक बार आपको मैं सब्जी भी दिखा देता हूँ। सब्जी दिखाएंगे भैया थोड़ी सी, आ गई है सब्जी, आलू की सब्जी रहती है ना, आलू चना पालक। कैसे प्लेट है? 35 रुपए। तो मैं जिस दुकान की बात कर रहा था जी, उस दुकान पे हम लोग पहुंच गए हैं, और चाय वगैरह भी आप बढ़िया तरीके से खा पी सकते हैं। और देखिए सिस्टम जी यहाँ पे बढ़िया थाली वगैरह यहाँ पे लगती है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सुबह का नाश्ता 6 पूड़ी 2 जलेबी 1 दही बड़ा 50 रुपये प्रति प्लेट, दही बड़ा 2 पीस 24 रुपये, पहला पैसा दे दीजिए। तो देखिए इधर भाई साहब, ये शायद अगेठी में शायद आलू वगैरह रख रखे होंगे, है ना। और ये आ गया जी दही बड़ा, जलेबी आ गया है, अपना पूरी वगैरह, और जलेबी देखिए बढ़िया तरीके से लगा रखी है जी। तो चलिए एक प्लेट ले लेते हैं और उसके बाद टेस्ट करते हैं, और आपको भी फिर बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। टेस्ट कैसा लग रहा है भैया? अच्छा, आते रहते हो नाश्ता करने के लिए जी? कैसा है भैया टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। यही पटना के हो आप? बगल से ही। अच्छा, आते रहते होंगे फिर तो। चलिए बहुत ही बढ़िया भैया, एक प्लेट लगा दीजिए। तो ये देखिए जी, 4-5-6 पूरियां हैं, जलेबी है, साथ में आ गया दही वड़ा, है ना, सब्जी, और ये शायद ये आलू का रायता वगैरह होगा। तो चलिए पहले तो सिस्टम बनाना पड़ेगा जी, कहीं पे फोन रखने का, तभी बात बन पाएगी बढ़िया तरीके से। तो ये आ गया जी प्लेट अपनी प्रॉपर, है ना, इसमें आलू की सब्जी है, जैसे वड़ा है, और ये दूसरी चीज़ है जैसा मैंने आपको दिखाई दिया। तो चलिए सबसे पहले तो टेस्ट करते हैं जी, टेस्ट कैसा है? ओके।
नज़ारेदार। यहाँ पे मेन चीज सुबह का नाश्ता ना यही होता है, और सुबह के नाश्ते के अंदर अपना चने की सब्जी, पूरी मिल जाए, जलेबी मिल जाए। ये इनका दही बड़ा है, बड़ा सॉफ्ट है, नहीं बड़ा दही बड़े का तेज आ रहा है ना। ओह भाई भट जलेबी वापस, जलेबी भी टेस्ट करनी बनती है। तो चलिए मैं ये फिनिश करता हूँ, और उसके बाद थोड़े से मैं आपको क्लिप भी दिखाता हूँ यहाँ के, और आपको मैं लोकेशन, जो आप अगर आना चाहते हैं यहाँ पर लोकेशन पे, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लोकेशन में बता दूंगा, सो दैट कि आप इजीली इस लोकेशन पर पहुँच जाएँ। राइट, तो मैं थाली को करता हूँ फिनिश अपने, फिर उसके बाद आपको मिलता हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो देखिए यहीं पे हम लोगों ने नाश्ता किया है जी, है ना, 6 पूड़ी, 2 जलेबी, 1 दही बड़ा, 50 रुपये प्रति प्लेट। अगर आप दही बड़ा लेना चाहते हो 2 पीस, यहाँ 24 रुपये के आपको मिलेंगे। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो भाई साहब इधर बिल्कुल सामने ही अपना पड़ जाता है रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल देखिए बगल में ही अपना एक बोर्ड भी लगा हुआ है ना, रेलवे स्टेशन वाला, और पुल के बिल्कुल नीचे है भैया की दुकान ये। अगर आप भी आकर नाश्ता करना चाहते हैं तो भाई साहब सुबह सुबह का नाश्ता एक बार आके जरूर करिएगा यहाँ पे। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। वही है जी, अगर आप भी सुबह सुबह का नाश्ता करना चाहते हो ना, बढ़िया नाश्ता करना चाहते हो, तो भाई साहब आइएगा, और 50 रुपये की प्लेट आपको खाने को मिलेगी। साथ में जो जो चीज़ें मैंने आपको थाली में दिखाई हैं वो चीज़ें दिखाई दी हैं, बताई दी हैं। बाकी अगर टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट एवरेज है, बढ़िया है, है ना। पहली बार खाओगे तो आपको थोड़ा टेस्ट आएगा ही आएगा, मतलब जो पटना के जो जायका है भाई साहब वो तो आपको देखने को मिलेगा ही। देखिए सुबह का तो नाश्ता हो गया, लेकिन जब तक चाय नहीं ना पियेंगे तब तक स्वाद नहीं आएगा। भैया चाय बना दीजिए, ना ना फीकी नहीं, मीठा। ये देखिए यहाँ पे ये छोटी छोटी एक कुप्पी इसको कहा जाता है ना, जैसे अपने वहाँ कुल्लड़ जो होता है जी वो बड़ा कुल्लड़ होता है, लेकिन यहाँ पे ये छोटा आपको क्या कहते हैं इसको भैया, घूम क्या कुट्टी कहते हैं, कुप्पी कहते हैं ना इसको, कुप्पी कहते हैं, कुल्लड़ी कहते हैं आपके यहाँ पे, कुल्लड़ी कहते हैं, तो इसको कुल्लड़ी कहा जाता है जी, है ना। देखिए छोटा सा कुल्लड़ होगा, लेकिन भाई साहब जो इसमें चाय जब डल के आएगी ना तो स्वाद ही निकल के आएगा। और सबसे बड़ी बात जो चूल्हे पे जो बनी चाय बनी होती है ना भाई साहब, उसके पीने का स्वाद ही फिर अलग सा आता है ना। तो चलिए चूल्हे की चाय भी ट्राई कर ली जाए आज, कुल्लड़ वाली। अच्छा हो गई है ना, ये लीजिए जी आ गई है चाय। तो चलिए करते हैं चाय ट्राई फिर, तो चलिए जी चाय करेंगे ट्राई थोड़ा पीछे जाके बढ़िया तरीके से।
सुबह सुबह भाई साहब, इधर जैसे मैंने ना काफी जगह ट्राई किया है चाय, है ना, तो ऐसे ही एक छोटे से कुल्हड़ में चाय दी जाती है यहाँ पे, और जिसका टेस्ट भाई साहब क्या होता है ना कि ये सीढ़ी पे बनाते हैं, सीढ़ी मतलब कोयले के ऊपर बनाएंगे उसको, कोयले पे बना के भाई साहब जो नज़ारा फिर आएगा ना, क्योंकि कोयले पे क्या करते हैं कि चाय फिर रिझती रहती है, रिझती मतलब उसको उबाला देता रहते हैं, है ना, चाय को, फिर उसके बाद जो चाय का टेस्ट बन के आता है ना भाई, खतरनाक आता है। वाह, तो चलिए मैं कहता हूँ चाय को ट्राई, नाश्ता तो आपने देख ही लिया है, पीते हैं भाई, कभी ठंडी हो जाए, नज़ारा नहीं आएगा फिर। पटना की सीरीज आपको कैसी लग रही है हमारी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर, बाकी वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, बाय बाय।